असली किन्नरों के हत्थे चढ़े नकली किन्नर और उसके बाद असली किन्नरों ने की नकली किन्नरों की पिटाई। ये मामला यमुनानगर के कमानी चौक का है, जहां पर हर रोज खड़े होकर नकली किन्नर लोगों से भीख मांगने का काम करते थे। मेरे बाल तो छोड़ दे, नहीं छूटेंगे कुछ भी आज। यदि कोई उनको पैसे ना दे तो जोर जबरदस्ती कार के शीशों पर हाथ मारते थे, जिसके चलते असली किन्नरों के पास लगातार शिकायतें जा रही थी। इसी के चलते असली किन्नरों ने कमानी चौक के पास मौके से दो नकली किन्नर भीख मांगते पकड़े, जिनमें से एक नकली किन्नर असली किन्नरों के हत्थे चढ़ गया और एक भागने में कामयाब हो गया। जिसके बाद नकली किन्नर की असली किन्नरों ने पहले तो पिटाई की और उसके बाद अपने घर लाकर अपने गुरु के सामने पेश किया, जहां पर अब नकली किन्नर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। यमुनानगर से हलचल के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट। सत्यकाल, मेरा नाम चांदनी किन्नर है, मैं गोल्ड गुरु जी की चेला हूँ। ये हमारा डेरा है आई टी सुसदी रोड पे। ये कल्लू और मतलब दो तीन है, ये नकली हैं, लड़के हैं, हमारा नाम बदनाम करके ये चौक लाल बत्ती बोलते हैं, जिसे चौक पे ये मांगते हैं पैसे। अगर अपनी कोशिश हुई 10 रुपये दे देता है, उससे बोलते हैं 100 रुपये दो, 50 दो, जबरदस्ती करते हैं। लेडीज़ को भी नहीं बकसते, लेडीज़ की भी इज्जत नहीं करते दीदियानियों की, और उनके साथ बदतमीजी करते, किसी का फ़ोन छीन लेते, किसी से कुछ। तो हमारे पास इकट्ठी हो गए आए थे सारे मोहल्ले वाले, ठीक है ना, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। तो हमारे गुरु ने बोला इनको पकड़ के लाओ और ये हमें धमकिया देते हैं, ठीक है, इसलिए हम पकड़ के लाई। हमारा डेरा ही मेरे गुरु मिला के हम लोग इनसे बहुत करना इनका है, पर भरना हमारा हो जाता है। अब कल के टाइम में देखो, इन्होंने स्नैक भी नहीं, अपने नशे पूरे करने, सीधा काम करना है, तो दुनिया वालों की नजर में तो हिजड़े बदनाम होने के, नहीं जी हिजड़े गंदे हैं, जबकि करते ही हैं लूट मार, चोरी, चैन छीनना या फिर गाली देना या किसी गाड़ी का शीशे पे मार के। जो स्मैक की वीडियो वायरल हुई है, हकीकत में स्मैक करते हैं, लोगों से पैसे ले जाते हैं। हिजड़े का काम क्या होता है? हिजड़े का काम होता है पैसा लेके समाज सेवा करनी, आपके बच्चों को दुआ देनी। हिजड़े कोई नशा नहीं करते, ठीक है ना। हम मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले से पता कर सकते हैं हम लोग कैसे।